Assalamualaikum and a very good morning to you all my dear students. How are you all? I hope you all are doing very well with your health. Alhamdulillah. So student, today here I'm going to explain you about the PT2 activity. So welcome to class 2 subject EVS PT2 exams activity. Student, you have to see this video very carefully. I request the parents also to please see this video very carefully, because इस video में मैंने आपको बहुत अच्छे से A to Z चीज़ें explain की है PT2 activity के बारे में. आपको ये activity कब complete करनी है, कौन से duration में करनी है, क्या material use करना है, कैसे करनी है, ये video में मैंने सब कुछ दिखाया है. सो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली से देखना है, जिससे आपको पूरी तरह से ये एक्टिविटी के बारे में समझ में आ जाएगा कि यह एक्टिविटी में आपको क्या क्या करना है. इज दैट क्लियर? सो प्लीज़ सी दिस वीडियो वेरी केयरफुली टिल द एंड. सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी PT2 एग्ज़ाम की एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आपको याद है ना, हमने PT1 एग्ज़ाम में एक एक्टिविटी की थी, फ्रूट बाउल. आप सब ने हमें सबमिट किया था फ्रूट बाउल ड्रॉ करके, राइट? तो वैसे ही हम एक और एक्टिविटी करने वाले हैं. वो थोड़ी डिफरेंट है और बहुत अच्छी एक्टिविटी है. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 पढ़ाया था, जिसमें हमने हैप्पी फेस और सैड फेस के बारे में पढ़ा था, अर्थ का येस और नो. सो इन द सेम वे इन PT2 एग्जाम्स एक्टिविटी वी हैव टू ड्रॉ द टू डिफरेंट फेसेस ऑफ द अर्थ. हमें अर्थ के दो अलग अलग फेसों के बारे में ड्रॉ करना है. अब हमें अर्थ के कैसे फेस ड्रॉ करने हैं? एक तो हमें ड्रॉ करना है हैप्पी फेस ऑफ द अर्थ. ये देखो, एक पिक्चर मैंने दिया है जिसमें अर्थ का फेस कैसा है, हैप्पी है ना. मैंने एक आगे वीडियो बनाया जिसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है. और दूसरा फेस है सैड फेस ऑफ द अर्थ, जिसमें एक फेस हमें बनाना है जिसमें अर्थ सैड है. अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने आगे दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो स्टूडेंट, नाउ व्हेन यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, आपको ये एक्टिविटी आपके दिवाली वेकेशन में करना है, अभी नहीं करना है. हम सैटरडे को आपको एक एक्टिविटी सिलेबस फॉरवर्ड करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में. आपको उस एक्टिविटी को रीड करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स दिए हैं कि आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट में कौन कौन सा एक्टिविटी करना है. तो ये EVS सब्जेक्ट है जिसका वीडियो मैं बना रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो ये एक्टिविटी आपको कब करना है? इन द दिवाली वेकेशन यू हैव टू कंप्लीट योर PT2 एक्टिविटी. कब कंप्लीट करना है आपको ये एक्टिविटी? आपके दिवाली वेकेशन में, जिसके पास आपके पास बहुत सारा टाइम है दिवाली वेकेशन में, है ना, क्योंकि आपका दिवाली वेकेशन काफ़ी लॉन्ग वेकेशन होगा. नाउ आई विल शो यू अ स्मॉल वीडियो. मैं अब आपको वीडियो बताऊंगी कि आपको कौन कौन सा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. ओके स्टूडेंट, तो नंबर वन मटेरियल है, वो है आपका A4 साइज का ड्राइंग का पेपर. अगर आपके पास कोई पुरानी ड्राइंग बुक है जिसमें आपने कोई ड्राइंग नहीं किया है और उसके ब्लैंक पेज है, तो दैट यू हैव टू यूज़ दैट पेपर्स फॉर योर PT2 एक्टिविटी. ओके, सो हाउ मैनी पेपर्स यू नीड? फर्स्ट आपको सबसे पहले 3 ब्लैंक्स पेपर्स चाहिए. हाउ मैनी पेपर्स? 3 ब्लैंक पेपर. नाउ कैन यू सी, यहाँ मेरे पास 3 ब्लैंक्स पेपर है. ब्लैंक पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3. ये तीनों पेपर्स अलग हैं. नाउ यू हैव टू अरेंज दिस पेपर इन अ प्रॉपर वे. ऐसे प्रॉपर वे में अरेंज करना है.
After that, you have to put the stapler, not in this breadth, in the this way. So you have to put the stapler. So you can see this is the stapler number 1, then stapler number 2, stapler number 3, and then stapler number 4. So now what happened? Your papers are being stapled. Aapke papers sare ek saath attach ho chuke hai. Your papers are attached. Now again I will show you. This is the paper number 1, paper number 2, and paper number 3. So this is the first step, your फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एक्टिविटी. आपको एक्टिविटी करने से पहले सबसे पहले 3 ब्लैंक पेपर्स लेने हैं. वो है A4 साइज के ब्लैंक पेपर्स जो आपको इजीली आपके ड्राइंग बुक में से अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी पुरानी ड्राइंग बुक है उसमें से. नाउ द सेकेंड स्टेप, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप कम्स योर नेम, आपका नाम. You have to write your name on the second step. Now, how you are going to write your name? What you have to do to write your name? Let's see. So, student, after stapling and everything, you have to write your name. So, how you have to write your name? In this way. On the first page, आपका ये जो first page है, on that, the first thing which you have to write is your name, name. This is my full name, Reshma Niazbai Jamadar. आपका जो भी नाम हो, पटेल, मोहम्मद, सरफराज, फातिमा, यूसुफ, पठान, आयशा, अल्ताफ, पटेल, वॉट एवर योर नेम. आपका जो भी नाम है वो फुल नेम लिखना है. योर फर्स्ट नेम, सबसे पहले आपका नाम, देन योर फादर नेम एंड देन योर सर नेम. यू हैव टू राइट इन दिस वे. देन द सेकेंड थिंग, यू हैव टू राइट योर क्लास. आप कौन से क्लास में हो? आप सभी बच्चे सेकेंड स्टैंडर्ड में हो, राइट? येस और नो? तो क्लास के सामने वॉट यू आर गोइंग टू राइट? यू आर गोइंग टू राइट 2, मीन्स क्लास 2. DIV, दैट इज योर डिविजन. आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? पता है अभी आपने एग्जाम्स दी थी, तो एग्जाम्स के पेपर्स में आप सबने अपना डिवीजन लिखा था ना. सेकेंड ए में पढ़ते हो या सेकेंड बी में, सी डी. यहाँ मैंने ए लिखा है तो नॉट नेसेसरी आप ए लिखोगे. अगर जो बच्चा बी में पढ़ता है वो बी लिखेगा, जो बच्चा सेकेंड सी में पढ़ता है वो सी लिखेगा, जो डी, ई, एफ या जी. आप जो भी डिवीजन में पढ़ते हो और एग्ज़ाम्स में, PT2 की जो आपकी जो टर्म 1 की जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें आपने जो भी आपका डिवीजन लिखा था वो डिवीजन आपको यहाँ पर लिखना है. लाइव क्लास वाला नहीं लिखना है, रेगुलर क्लास और डिवीजन लिखना है. यानी आप जो भी डिवीजन में हो वो परफेक्ट डिवीजन आपको लिखना है. जो आप एग्ज़ाम पेपर में लिखते हो वही डिवीजन लिखना है. क्लास और डिवीजन के बाद नंबर 3 पर है रोल नंबर. आपका 1 से लेकर 4040 में जो भी रोल नंबर हो, अगर 1 है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, 11, 12, 15, 16, 20, 31, 35, 40. आपका जो भी रोल नंबर है वो करेक्ट रोल नंबर लिखो. क्या लिखना है? आपको बिल्कुल करेक्ट रोल नंबर लिखना है. आपके रिजल्ट पर भी अभी टीचर्स ने रोल नंबर डाल के दिए थे ना, आपको याद है? रिमेंबर? यस. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यू हैव टू राइट EVS, क्योंकि ये कौन से सब्जेक्ट की एक्टिविटी का वीडियो है? ये EVS सब्जेक्ट की एक्टिविटी का वीडियो है. तो आपको यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट लिखना है? EVS. आप जो भी सब्जेक्ट की एक्टिविटी करोगे पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट उस एक्टिविटी पर हेडिंग में डालना है. तो सब्जेक्ट में यू हैव टू राइट EVS. टॉपिक, क्या टॉपिक है आपका ये? PT2 एग्जाम एक्टिविटी. आपको क्या हेडिंग लगाना है टॉपिक में? PT2 एग्जाम एक्टिविटी. यहाँ जो मैंने दिया है वो ही आपको करना है, राइट? अब आपकी एक्टिविटी क्या है? ऑलरेडी मैंने आगे आपको एक्सप्लेन की है.
आपको टू फेसेस बनाने हैं। किसके फेसेस बनाने हैं? अर्थ के, हमारी ब्यूटीफुल दुनिया की फेस बनाने हैं। कैसे फेस बनाना है? एक तो हैप्पी वाला फेस और एक सैड फेस। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पर दो फेस आपको ड्रॉ करके बताऊँगी। आप उसको अपने तरीके भी से भी कर सकते हो। आपको जो ड्रॉ करना है आप वैसे वो हैप्पी फेस बना सकते हो। ओके, मैंने याद है आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, चैप्टर नंबर 14, टेक केयर ऑफ द अर्थ। उसमें मैंने हैप्पी फेस में क्या बताया था, याद आया? यस। सो अब मैं आपको हैप्पी फेस दिखाऊंगी। सी योर, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू टर्न द पेज। अब मैं पेज को टर्न करूंगी, उसको अच्छे से ऐसे करूंगी। अब अर्थ बनाने के लिए मुझे तो एक परफेक्ट सर्कल चाहिए, बिकॉज अर्थ कैसे शेप में होता है, अर्थ इज राउंड। अब मैं सर्कल कैसे बनाऊंगी? आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक जग है जिसका कैप है, तो उस कैप की मदद से मैं एक अच्छे से परफेक्ट सर्कल बनाऊंगी। ओ दिस इज माई कैप। आपके पास अगर कोई भी चीज़ अवेलेबल हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। स्टूडेंट, विद दैट हेल्प ऑफ दैट कैप आई हैव ड्रॉन द सर्कल। सी, सो नाइस सर्कल आई हैव ड्रॉन, एंड दैट ऑल्सो विद द स्केच पेन। सो मैंने दोनों पेज पर सर्कल ड्रॉ कर दिए। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू ऑन द फर्स्ट पेज, मैं फर्स्ट पेज पर कौन सा सर्कल बनाने वाली हूँ? हैप्पी फेस का। कौन सा? हैप्पी फेस। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी हेडिंग में, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर लिखूंगी हैप्पी फेस। स्टूडेंट सी, यहाँ पर मैंने हैप्पी फेस ऑफ अर्थ बनाया है, तो आपको भी ऐसा ही ड्रॉ करना है। इस पेपर पर अर्थ का हैप्पी फेस बनाना है। अब हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था अर्थ कैसे हैप्पी है होता है, क्या क्या देखकर हैप्पी होता है अर्थ, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, अच्छी क्लीननेस वाली जगह होती है, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बहुत सारी ग्रीनरी होती है, रिवर्स होते हैं, रिवर एकदम क्लीन और नीट होती है जिसमें फिश होती है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर अर्थ कैसा हो जाता है? हैप्पी। हैप्पी मतलब स्माइलिंग फेस। सो ये है कौन सा फेस? द हैप्पी फेस ऑफ द अर्थ। मैंने ये ड्रॉ किया है। अगर आप ये सेम टू सेम ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आप अपनी आइडियाज़ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एक हैप्पी फेस बनाया है जिसमें बहुत सारे ग्रीन ग्रीन ट्रीज बनाए हैं, बर्ड्स बनाए हैं, फ्लावर्स बनाया है, रिवर, फिश बनाया है, मून है, सन है, स्टार है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर अर्थ हमेशा क्या होता है? हैप्पी होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड फेस है, वो है सैड फेस ऑफ अर्थ। लेट्स सी। सो स्टूडेंट, नाउ दिस इज द सैड फेस ऑफ अवर अर्थ। सी, मैंने ऊपर हेडिंग दिया है सैड फेस ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ क्यों सैड है? देखो ये दोनों आईज है अर्थ की, एंड ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। देखो अर्थ और उसका जो हैप्पी फेस है वो सैड फेस में हो गया। क्यों? क्योंकि हमने हैप्पी फेस में क्या देखा था कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज थे, फ्लावर्स थे, अच्छी अच्छी रिवर्स थी, बहुत सारी फिश थी रिवर्स में, और अर्थ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। अब क्या हो गया? धीरे धीरे वी ह्यूमन बींग्स, हम इंसान अपना घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए अर्थ की ब्यूटीफुल जो ट्रीज़ है उसको हम कट कर देते हैं, कट कर देकर उसको फेंक देते हैं, और वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स बनाते हैं। अब वो फैक्ट्रीज़ में से, वो बिल्डिंग में से हम क्या फेंकते हैं? ऑल द बैड केमिकल स्मोक्स, हम गंदी गंदी स्मोक्स, जो गंदा स्मोक्स होता है वो बाहर हम फेंकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है उसका एटमोसफियर ख़राब हो जाता है, और हमारा हैप्पी अर्थ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे सैड फेस में। आप देख सकते हो सैड फेस में मैंने कोई भी ग्रीनरी चीज़ नहीं दी, सारी ब्लैक कलर की चीज़ें, रिवर में बहुत सारा कचरा है, पूरे अर्थ पर देखो
स्मोक ही स्मोक है, राइट? अब आप अपनी कोई भी आइडिया लगाकर सैड फेस भी अर्थ का अपनी आइडिया से बना सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से आइडिया मिल गया कि आपका ईवीएस का एक्टिविटी क्या है। आपके ईवीएस के एक्टिविटी में आपको दो फेसेस बनाने हैं। एक तो है आपका हैप्पी फेस, जो ये रहा। आपको एक हैप्पी फेस बनाना है जिसमें अर्थ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, और दूसरा आपको क्या बनाना है, सैड फेस, जिसमें अर्थ बहुत ही ज़्यादा सैड है। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पेज पर आपको आपका नाम, क्लास, डिवीजन, रोल नंबर, सब्जेक्ट और टॉपिक लिखना है। फिर मैंने ऑलरेडी आगे आपको समझाया है, और आपका जो भी डिवीजन है वो बहुत ही करेक्ट से ध्यान से लिखना, प्लीज़ डिवीजन में कोई भी गड़बड़ मत करना बच्चों, ओके? फिर उसके बाद आपको हैप्पी फेस ड्रॉ करना है। आप प्लीज़ अपनी आइडिया से ड्रॉ करना, आप अपना आइडिया लगाना, ओके? हैप्पी फेस लिखने के बाद जैसे ही आप पेज टर्न करोगे दिस साइड, ये वाली जगह पर, यहाँ आपको क्या लिखना है, 3 सेंटेंस ऑफ द हैप्पी फेस। क्या लिखना है आपको, आपको हैप्पी फेस की कोई भी 3 सेंटेंस लिखने के। हैप्पी फेस यानी अर्थ कौन सी चीज़ों से हैप्पी हो जाता है वो लिखना है। ये आपको ईवीएस की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 14 में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो आप वहाँ से भी ये 3 सेंटेंस को कॉपी कर सकते हो कि आप ऐसी कौन सी 3 चीज़ करोगे जिससे अर्थ हैप्पी हो जाएगा। 3 सेंटेंस इसके बारे में लिखना ज़रूरी है। आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, उसके बाद आपका आएगा सैड फेस, राइट? आपने साइड फेस भी बहुत अच्छे से ड्रॉ कर दिया अपनी आइडिया से, अपने दिमाग से। उसके बाद टर्न द पेज। आप जैसे ही पेज टर्न करोगे वहाँ पर वापस से आपको लिखना है 3 सेंटेंस ऑफ द साइड फेस। आपको साइड फेस के बारे में 3 सेंटेंस लिखना है कि आप कौन सी 3 ऐसी एक्टिविटी करोगे, ऐसे कोई काम करोगे जिससे जो आपका अर्थ है वो सैड हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तो आई बस स्टूडेंट्स, आपको ये कैसे करना है पूरी एक्टिविटी, यस और नो स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, हियर आई हैव एक्सप्लेन यू द होल एक्टिविटी ऑफ योर PT2 एग्जाम, राइट? आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा पेपर यूज़ करना है, कितने सेंटेंस लिखने हैं, आपको 2 हैप्पी फेस ड्रॉ करने हैं, 2 फेस ड्रॉ करने हैं, 1 इज़ हैप्पी फेस एंड 1 इज़ द साइड फेस, एंड देन यू हैव टू राइट द 3 सेंटेंस ऑन बोथ द फेस, और आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं दोनों फेसेस पर। आपको ये सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में से आई थिंक सो चैप्टर नंबर 14 से आराम से मिल जाएंगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।